मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से सटे कल्याण से एक ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें ठगी करने वाले ने 21 लाख रुपयों की ठगी की है। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से कुल 21 लाख रुपयों की ठगी की गई है। कल्याण कोलसीवाड़ा पुलिस को दो लोगों ने इस मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने सफलतापूर्वक तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम उमाशंकर वर्मा, रंजीत कुमार अंबानी और रवि सोनी है। पुलिस ने बताया कि उमाशंकर वर्मा ने रेलवे में नौकरी के लिए लोगों को ट्रेन चलाते हुए वीडियो भेजा, जिससे उन्हें भरोसा हो जाए। इस अपराध को अंजाम देने के बाद ये तीनों फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने इन तीनों को सफलतापूर्वक पकड़ लिया है और धोखाधड़ी के मामले में इन्हें गिरफ्तार किया है। हमारे पास एक दो लोगों की कंप्लेंट आई है। मुंबई में रहने वाले तीन आदमी हैं, वो कल्याण में रहने वाले लोगों को बताता था कि हम रेलवे में सर्विस को है, बड़े हिसाब से पैसा है, आपको रेलवे में सर्विस दिलाता, ऐसे बता के उनसे पैसा लेके उनको फंसा था। ट्रेन नाम के इस समय उनका फिरियाद दाखिल किया है, उनसे 21,60,000 रुपये लिया है और बहुत लोगों को अभी तक फंसाया है। वो लोग पुलिस स्टेशन अप्रोच हो रहे हैं। ये सब उत्तर भारतीय है, एक वर्मा है, एक सोनी है और ये वाराणसी के रहने वाला है। यहाँ पे रेलवे में सर्विस को ऐसे दिखाते थे, उसका लोकोमोटिव इंजीनियर है, ऐसा क्लिप निकाल के वो दिखाता था, जिससे वो रेलवे में सर्विस में लोगों को विश्वास आता था, वो हिसाब से उनको वो पैसा देते।